नमस्कार, मैं हुसनैन शर्मा, स्वागत है आपका चिनाब टीवी में। ताइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डोडा पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ गांव कोटी डोडा निवासी एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। आतंकवादी से हथियार और मोबाइल बरामद किया गया। आतंकवादी की पहचान गुलाम हुसैन के पुत्र फरीद अहमद है। जिला रामबन के स्थान मैत्रा एक स्थानीय निवासी जिला प्रशासन से काफी परेशान है। स्थानीय लोगों की मांग को आज तक पूरा नहीं किया गया। इसी बारे में स्थानीय निवासी मैत्रा के प्रशासन से एक बार फिर मांग करते हुए कहा कि इनके क्षेत्र में नहर का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि वर्षा के दिनों इनके घरों के अंदर पानी जो आता है इससे राहत मिल सके। तो देखिए हरदेव मनहास की रिपोर्ट। पहले भी बोल चुके हैं कि नाली बननी चाहिए ऊपर से, ताकि ये जो पूरा पानी ऊपर से आता है वो नीचे हो जाए मेन नाले में। ये पूरा पानी इधर नीचे आता है, खेतों में जाता है, घरों में जाता है, अंदर नाली नहीं है उस वजह से जाता है ये। और बहुत पानी आता है, बहुत बारिश होती है तो पानी बहुत आता है, इस वजह से रास्ते खराब हो गए हैं, रास्ते में खड्डे बन गए नीचे तक। तो यही हमारी सरकार से डिमांड है कि नाली दी जाए, ताकि वो जो पूरा पानी ऊपर से ऊपर पूरे मोहल्ले से जो पानी आता है ऊपर वाले से वो पीछे मेन नाले में डाला जाए। गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पे है, तो ज़्यादा से जल्द जो हमारी जो ये की जाए, ताकि हमें एक नाली दी जाए। ये जो दलिया द्रगड़ी कुंडी वगैरह एरिया है जो उससे वहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है, तो ये पूरा ही पानी जो मकानों की ओर आ रहा है और मकानों में अंदर घरों में लगा हुआ है और बहुत ही हालात जो है ख़राब हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यही गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि ये जो जल्द से जल्द हमें कोई नाली दी जाए और ये नाली निकाली जाए, ताकि ये जो है ये पानी रोका जाए और ये सभी जो घर जो है। जिला विकास DDC किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने आज किश्तवाड़ जिले के ब्लॉक पाडर का दौरा कर वार्षिक श्री मचेल माता यात्रा 2022 को शुरू होने से पहले ही व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। DDC किश्तवाड़ ने सभी पंचायती राज संस्थाओं से इस पवित्र यात्रा को सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया। खेल परिषद के सहयोग से जम्मू कश्मीर ने पैनकाक स्लेट एसोसिएशन के बैनर तले रामबन पैनकाक स्लेट एसोसिएशन द्वारा जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन में पैनकाक स्लेट एसोसिएशन का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट के दौरान सभी COVID-19 की SOPs का सख्ती से पालन किया गया। तो देखिए सज्जाद अहमद खांडे की रिपोर्ट। और सबसे पहले यहाँ पे हमारी गेम है, इसका नाम है पैनकाक स्लेट, और मैं जो कि शहराज सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमारे ये गेम लाई है। यहाँ पे हमने इसे बहुत ही इंजॉय किया। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो गेम लाई थे, हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम स्पोर्ट काउंसिल का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और अपने स्कूल के स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इसका मौका दिया। और सबसे पहले कि शहराज सर का कि उन्होंने यहाँ पे कोचेस भेजे हमें ये खिलाने के लिए, और हम चाहते हैं कि हम इसे खेल कर अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने JNT का नाम रोशन करें। हमारा मैंने आज तीन चार मैच खेले, मैंने पहले प्रैक्टिस की थी, मैंने भी हमारे मैच कल हमने प्रैक्टिस करवाई थी और आज हमने मैच खेला है। और हमारे इधर डिस्ट्रिक्ट हम में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हो रहा है, जिसमें मेरे को हमें खेलने में बहुत खुशी हो रही है। तो आप बहुत फायदे हो सकते हैं, आप आगे और आप वहाँ पर आप इतने बड़ी मुश्ताक है चंद्रपुर से।
से और हमारे चार भाई दोस्तों से। पहले सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्पोर्ट्स काउंसिल शहराज कटोर सर का, क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में पहली बार मैजिक स्लॉट चैम्पियनशिप लाई है यहाँ पे, और माशाल्लाह अगर वो स्पोर्ट्स भी करते रहे सपोर्ट करते रहे हमें, तो हम अपने इंशाल्लाह अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे। पढ़ाई तो ज़रूरी है हमारे, पर उसके साथ साथ हमें फिटनेस भी होनी चाहिए गोल्ड के लिए, अपने देश का नाम भी रोशन करना है, इसलिए हमें गुजारिश है कि आप हमें सपोर्ट। सर मुझे पहले एक ही इंटरेस्ट था, मगर अब जब ये गेम आई तो मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, और इंशाल्लाह मैं गोल्ड मेडल लाऊंगा अगर आप सपोर्ट करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप डिस्ट्रिक्ट रामन में पहली बार होने जा रही है पंच स्लॉट की, और पहली बार हमारे स्कूल में हो रही है, और हम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, और कोर्ट काउंसिल शहराज सर का शुक्रिया अदा करते हैं, हमें मौका दे हम ये गेम खेल पाए, और इंशाल्लाह हम अच्छे से खेलेंगे और ये हम आगे बढ़ेंगे और गोल्ड मेडल इस गेम में ला सकते हैं। ये है कि वो ये सब ना करें, इस हमारी इन सब सीटों पर पूरा असर पड़ता है, हमारे सब नाम होते हैं, तो ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें, खेलें स्पोर्ट्स हमारी हमारे हम फिट होते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। सर मेरा नाम सरफराज खान है, ये मिस्टर शहराज जी शहराज कपूर जी डिस्ट्रिक्ट रामबन पंचिक स्लॉट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज की है, हम जे एंड के पंचिक स्लॉट एसोसिएशन से आए हैं इस चैम्पियनशिप को ऑब्जर्व करने, और बाकी जे एंड के पंचिक स्लॉट एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ आया हुआ है जो यहाँ पर चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहा है अंडर रामबन पंचिक स्लॉट एसोसिएशन के अंदर, इनको भेजा गया है जे एंड के पंचिक स्लॉट एसोसिएशन की तरफ से, और ये चैंपियनशिप इन कोलाब्रेशन विद जे एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल है। ये जो गेम है ये जे के स्पोर्ट्स काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से रिकॉग्नाइज्ड है। अभी सर नेयर बोर्ड अभी तक हमारे सब जूनियर गर्ल्स के मैचेज हो चुके हैं, जूनियर गर्ल्स के मैचेज हो चुके हैं और सीनियर गर्ल्स के मैचेज हो गए हैं अभी भी, तो कुछ मैचेज कल हुए थे और कुछ मैचेज अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, और जूनियर बॉयज़ के और सब जूनियर बॉयज़ के भी सीनियर मैच पेंडिंग है जो आज ख़त्म हो गए। सर जो बच्चे इस चैम्पियनशिप में क्वालिफाई करेंगे, जो सिलेक्टेड प्लेयर्स होंगे, जो मेडलिस्ट होंगे, वो बच्चे आगे स्टेट में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद वहाँ से उनका जो अगर ये रामबन के बच्चे वहाँ पे स्टेट लेवल पे क्वालिफाई करते हैं ट्राइल्स में भी, तो उसके बाद वो नेशनल्स के लिए आगे जाएंगे। खिलानी डोडा में फलों और सब्जियों के संरक्षण की कला में पल रहे एक महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के उपलक्ष्य में बागवानी विभाग डोडा द्वारा एक वेद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन JKRLM डोडा के सहयोग से किया गया। आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं, धन्यवाद।